फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके सामने मैथ सब्जेक्ट का एक टॉपिक लेकर आई हूँ जिसका नाम है फेस वैल्यू एंड प्लेस वैल्यू। बच्चे अक्सर फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू में बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं क्योंकि इसके जो प्रोनाउंसिएशन है बिल्कुल लगभग सेम है, एस एस, तो उस वजह से फेस वैल्यू में प्लेस वैल्यू लिख देते हैं, प्लेस वैल्यू में फेस वैल्यू लिख देते हैं। तो उस चीज़ का डाउट क्लियर करने के लिए आपको बच्चों को इस ट्रिक से पहले उनको बच्चों को एक्सप्लेन करना होगा कि फेस वैल्यू क्या होती है और प्लेस वैल्यू क्या होती है। तो आज की वीडियो शुरू करते हैं। बच्चों को सबसे पहले वन, टेंस, हंड्रेड, इन सब का रूल बताएं कि कहाँ पर वंस आता है, कहाँ पर टेंस आता है और कहाँ पर हंड्रेड आता है। जैसे यहाँ पर अगर कोई पूरी वैल्यू लिखी हुई है तो हम हमेशा पीछे से स्टार्ट करेंगे, इसको हम वंस बोलते हैं, इसको टेंस बोलते हैं और लास्ट वाले को हंड्रेड। इसी तरीके से सीक्वेंस चलता जाता है। फर्स्ट से लेकर सेकेंड क्लास तक के बच्चों को थ्री डिजिट्स वाले नंबर्स के लिए ही सब कुछ सिखाया जाता है, तो इसलिए मैंने थ्री नंबर्स का ही यूज किया है। सबसे पहले आता है हमारा फेस वैल्यू। फेस वैल्यू क्या होती है? फेस वैल्यू ऑफ एनी डिजिट इन अ न्यूमरल इज द डिजिट इटसेल्फ ऑफ इट्स फेस। बच्चों को ये बताना है कि फेस वैल्यू क्या होती है। फेस वैल्यू अपनी ही डिजिट, जो जब भी कोई पूछेगा कि फेस वैल्यू क्या है, तो फेस वैल्यू अपने आप वाली जो डिजिट होती है उसी को हम फेस वैल्यू बोलते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा है वंस, टेंस, हंड्रेड, यहाँ पे वैल्यू लिखी हुई है 7, 8, 5। तो अगर 7 का पूछा जाता है तो 7 अपने आप में ही फेस वैल्यू होगी। यहाँ पे देख लेते हैं, फेस वैल्यू ऑफ 7 इज 7, दिस वन। फेस वैल्यू ऑफ 8 इज 8, फेस वैल्यू ऑफ 5 इज 5। तो जो वैल्यू का नंबर यहाँ पर है वही नंबर यहाँ पर है। तो बच्चों को ये चीज एक्सप्लेन करनी है कि फेस वैल्यू में वही नंबर यहाँ पर आ जाता है। उसके बाद आता है प्लेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू ऑफ एनी डिजिट इन अ न्यूमरल इज द वैल्यू ऑफ डिजिट विद रिस्पेक्ट टू इट्स प्लेस इन द न्यूमरल। प्लेस वैल्यू क्या होती है? वो डिजिट जो उस प्लेस पर होगी उसके अकॉर्डिंग हम उसका नंबर लिखते हैं। जैसे यहाँ पर 6, 4, 8 नंबर लिखा हुआ है। अब यहाँ पर पूछा है प्लेस वैल्यू ऑफ 6, तो 6 का प्लेस क्या है? वंस है, तो वंस को हम 6 ही डिनोट करेंगे। उसके बाद प्लेस वैल्यू ऑफ 4, 4 की वैल्यू क्या हो जाएगी? यहाँ पर हमारा क्या नंबर आ जाएगा? 6 के बाद यहाँ पर 4 है तो हम इसको टेंस पढ़ते हैं, तो 4 × 10 यानी 40, तो 0 लग जाएगी। उसके बाद प्लेस वैल्यू ऑफ 8, 8 इज 800, क्योंकि यहाँ पर दो प्लेस वैल्यू एक्स्ट्रा हो गई हैं, तो इसलिए यहाँ पर 800। बच्चों को इस तरीके से भी आप बता सकते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने कुछ नंबर लिख दिए हैं 1, 10, 100, तो 6, 4, 3 यहाँ पे मैंने वैल्यू लिख दी है। अब इनकी प्लेस वैल्यू बतानी है, तो ये 1 होता है तो 1 को तो हम 6 ही नोट करेंगे। यहाँ पर आ गया हमारा टेंस, तो इसको हम क्या करेंगे? 4 × 10 यानी 10 इसमें लग जाती है। उसके बाद 3 है, तो 3 को हम क्या नोट करेंगे? यहाँ पर 2 प्लेस हो गए वंस और टेंस, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? 3 × 100, लाइक दिस। इस तरीके से हमें ये वैल्यू निकालनी होती है। तो आपको बस इतना बताना है कि इस नंबर को हाइड करो और जितने डिजिट्स हैं उन पे 0 लगा दो। जैसे 6, 4, 6, सबसे पहले हमें 6 की वैल्यू निकालनी होगी, तो 6 का तो सीधा 6 आ जाएगा। और अगर हमें 4 की निकालनी है प्लेस वैल्यू, तो हम 4 को हाइड करेंगे और 4 × 0 क्योंकि एक नंबर बचता है, और उसके बाद 3 लिखकर 3 को हाइड करेंगे, तो जितनी डिजिट है 2 डिजिट्स है तो 2 0 लगा देंगे। तो इस तरीके से आप बच्चों को एक्सप्लेन कर सकते हैं। कुछ एक्सरसाइज कर लेते हैं। आप फिल इन द ब्लैंक्स। फेस वैल्यू ऑफ 5 इज 5 × 865, 865 नंबर है तो 5 हमारा यहाँ है, फेस वैल्यू में इटसेल्फ वैल्यू होती है, तो हम यहीं से इसको नोट कर देंगे 5। प्लेस वैल्यू ऑफ 9, 9 के लिए हम कैसे निकालेंगे? 894 में से निकालना है, तो सबसे पहले 9 को हाइड करो, 4 बचा तो यानी
9 के पीछे हमें कितनी जीरो लगानी है? 1. प्लेस वैल्यू ऑफ 2. 2 के लिए कैसे करेंगे? 2 हाइड करो, 2 डिजिट बची, तो 2 0 0. फेस वैल्यू ऑफ 6. 6 के लिए क्या करेंगे? इटसेल्फ वैल्यू 6. प्लेस वैल्यू ऑफ 3. 3 को हाइड करो, कुछ नहीं बचा, 3 लिख देंगे. फेस वैल्यू ऑफ 2 इन 6 2 4. यहाँ पे 2 है तो 2 इटसेल्फ वैल्यू है, 2 लिख दिया. फेस वैल्यू ऑफ 4 इन 4 3 6. 4 ही आ जाएगा, फेस वैल्यू है. प्लेस वैल्यू ऑफ 3. 3 को हाइड करो, 3 लिखो, 2 डिजिट बची, 2 डिजिट हमने नोट कर ली, 0 0. फेस वैल्यू ऑफ 8. 8 के लिए फेस वैल्यू 8. प्लेस वैल्यू ऑफ 5. 5 के लिए सेम, 5 हाइड हो गया तो हमारा सिर्फ 5 ही आएगा. तो इस तरीके से आप बच्चों को प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू में अंतर समझा सकते हैं. अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए. मिलते हैं अगले वीडियो में.